नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। छुट्टा आवारा पशुओं की वजह से खेती चौपट होते देख गाजीपुर के सादात के किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। सादात थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरहपार नसरतपुर के किसानों ने दर्जनों छुट्टा मवेशियों को प्राथमिक विद्यालय के परिसर में इकट्ठा कर बांध दिया, फिर गेट में ताला लगा दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक अगम कुमार को अपनी टीम के साथ आना पड़ा और किसानों से बात भी करनी पड़ी। जमनिया कोतवाली पुलिस को सोमवार की सुबह बड़ी सफलता मिली। उसने क्षेत्र के बरुइन पुलिया के पास घेरेबंदी कर 3 लुटेरों को दबोच लिया। उनके पास से लूट की एक बाइक के साथ एक सफेद धातु का चेन बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक मंशाराम गुप्ता, उप निरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी, अशोक पांडे, कांस्टेबल फुजैल, कांस्टेबल बलवंत सिंह शामिल थे। 12 घंटे के अंदर ही लूट का पर्दा फाश करने पर पुलिस अधीक्षक ने टीम के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित किया। हंसराजपुर चौकड़ी संपर्क मार्ग पर बौरीबीर सिंहपुर के पास बेसो नदी पुल पर जानलेवा गड्ढा बन गया है। सोमवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता देवचंद आजाद ने लोगों के साथ इस गड्ढे में खड़े होकर सत्याग्रह किया। सत्याग्रहियों में विक्रम चंद, दिलीप कुमार, शतुंद्र भारतीय, कमलेश विश्वराज, सत्यम कुमार, संजय सोम, अजय कुमार आदि उपस्थित रहे। भावरकोल क्षेत्र के खरडिया गांव निवासी श्रीराम कन्नौजिया की 13 साल की बेटी खुशी कुमारी सुबह करीब 9 बजे खेत में घास काट रही थी। इसी दौरान बिजली के खंभे से करंट प्रवाहित हुआ और वो उसके जद में आ गई। मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ यादव ने बताया कि मृतका के पिता ने करंट से मौत होने की तहरीर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ओवरलोड वाहनों के निशाने पर इस समय एस मलसा डढ़नी बाईपास मार्ग दिखाई दे रहा है। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के प्रयास से इस मार्ग का निर्माण कराया गया था। इससे इस पर आवागमन करने वालों को राहत मिल गई थी, लेकिन करीब 1 माह से इस मार्ग पर ओवरलोड ट्रकें दौड़ रही हैं। इससे सड़क की हालत खराब होती जा रही है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।